इस विंटर सीजन में अगर आप अपने रूम को गर्म करने के लिए एक बेस्ट बजट फ्रेंडली रूम हीटर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूम हीटर इन इंडिया 2023 के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स और ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातों के साथ में, जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन ले पाएँ। मार्केट में आपको तीन टाइप के रूम हीटर्स के ऑप्शन मिलते हैं और वो हैं रेडिएंट, कन्विक्शन और ऑयल फिल्ड रूम हीटर्स। इन तीनों ही रूम हीटर्स के पावर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो रेडिएंट रूम हीटर सबसे कम पावर कंज्यूम करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन रूम हीटर और सबसे ज़्यादा ऑयल फिल्ड रूम हीटर्स। और वहीं बात करें कि दोस्तों ये तीनों ही टाइप के जो रूम हीटर्स हैं वो आपके रूम को कितनी ज़्यादा जल्दी गर्म करेंगे। अगर आपके रूम की साइज़ 150 to 170 स्क्वायर फुट तक है तो कन्विक्शन और रेडिएंट रूम हीटर कम से कम 2 घंटे का समय लगाएंगे आपके रूम को प्रॉपर गर्म करने में। वहीं दोस्तों ऑयल फिल्ड रूम हीटर्स कम से कम 3 घंटे का समय लगते हैं आपके रूम को प्रॉपर गर्म करने में। लेकिन दोस्तों अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या अगर आप रूम हीटर्स को बंद कर देते हैं तो रेडिएंट और कन्विक्शन रूम हीटर जहां पर भी आप यूज करेंगे वो रूम वापस बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। वहीं ऑयल फिल्ड रूम हीटर जो होते हैं दोस्तों वो लंबे समय तक आपके रूम को गर्म बनाए रखते हैं, सपोज अगर आप उन्हें बंद भी कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑयल फिल्ड रूम हीटर बिल्कुल सेफ होते हैं, इनमें कोई भी सेफ्टी का कंसर्न नहीं होता है। वहीं दोस्तों रेडिएंट रूम हीटर उतने ज़्यादा सेफ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि टॉप में जो ग्रिल आपको मिलती है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और ख़ास करके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको रेडिएंट रूम हीटर तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। वहीं कन्विक्शन रूम हीटर की बात करें तो ये रूम हीटर फास्ट हीटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ओवरऑल आपको बजट में भी काफ़ी सस्ते देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनमें भी आपको एक कमी देखने को मिलेगी, वो ये है कि दोस्तों अगर आप इन रूम हीटर्स को अपने रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन रूम हीटर्स के ठीक सामने बच्चों को ना जाने दें, और ख़ास करके दोस्तों अगर बच्चों ने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी ये उनके लिए सेफ नहीं होते हैं, तो इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखें। जब भी आप एक न्यू रूम हीटर अपने लिए परचेस करें तो दोस्तों ब्रांड की मार्केटिंग गिमिक से बिल्कुल आपको बचकर रहना है, क्योंकि बहुत से ब्रांड दोस्तों अपने रूम हीटर की जो भी पैकिंग वगैरह होती है उसके ऊपर ये मेंशन कर देते हैं कि उनके रूम हीटर ऑक्सीजन को बर्न नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी रूम हीटर्स मार्केट में आते हैं इंडिया में, खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, चाहे रेडिएंट हो, कन्विक्शन हो या ऑयल फ्री हो, दोस्तों ये सभी रूम हीटर्स ऑक्सीजन को बिल्कुल बर्न नहीं करते, लेकिन आग से चलने वाले रूम हीटर्स जरूर ऑक्सीजन को बर्न करते हैं। लेकिन आपको दोस्तों रेडिएंट और कन्विक्शन रूम हीटर्स में एक कमी देखने को मिलती है, यानी कि एक इशू वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, वो ये है कि दोस्तों ये रूम हीटर्स ह्यूमिडिटी लेवल यानी कि मॉइस्चर लेवल को काफी कम कर देते हैं। उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ता है, वो ये है कि आपको एक कटोरे में पानी भर के अपने रूम में रख देना है, चाहे कटोरा हो या फिर एक बकेट हो, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल आपके रूम में प्रॉपर मैनेज रहेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूम हीटर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन रूम हीटर्स की वर्किंग प्रोसेस और प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कन्विक्शन रूम हीटर्स में आपको एक हीटर मिलता है और ये हीटर फैन की मदद से हॉट एयर को आपके रूम में चारों तरफ सर्कुलेट करता है, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। वहीं प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों प्रोस यानी कि फायदे ये हैं कि ये प्राइस में आपको काफी सस्ते देखने को मिलेंगे और काफी कम पावर कंजप्शन ये करते हैं, इसके अलावा फास्ट हीटिंग करते हैं और ये इजी टू कैरी भी होता है। कौन से की कमी की बात करें तो दोस्तों इनमें नॉइज़ लेवल आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें फ़ैन का यूज़ होता है इसलिए ये नॉइज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको नॉइज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे में कन्विक्शन रूम हीटर आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होते हैं। टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूम हीटर इन इंडिया 2023 में नंबर 5 पर है ऑर्बिट की ओर से आने वाला ये रूम हीटर, जो कि आपको 2000 वॉट हीटर के साथ मिल जाता है। इस रूम हीटर में आपको कूल टच प्लास्टिक मेटल बॉडी मिलती है, साथ ही दोस्तों आपको 2 हीट सेटिंग मिल जाएगी, जिसमें आप रूम हीटर से 1000 वॉट और 2000 वॉट में हीटिंग ले सकते हैं। इस रूम हीटर में आपको सेफ्टी फीचर में कट ऑफ प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन का फीचर भी मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो ऑर्बिट की ओर से 1 साल के ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, और इस रूम हीटर को फिलहाल आप परचेस कर पाएंगे 1174 रुपए में, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट बाइंग लिंक को जरूर चेक करें।
टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूमीटर इन इंडिया 2023 में नंबर 4 पर है ओरिएंट की ओर से आने वाला ये 2000 वॉट का रूम हीटर, जो कि आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ मिलता है और इसका लुक्स आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश मिल जाता है। और इस रूम हीटर में आपको ड्वेल प्लेसमेंट ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस रूम हीटर को आप सीधा और खड़ा दोनों तरफ रख कर यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपको 5 लेवल सेफ्टी प्रोटेक्शन का फीचर भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको ड्वेल हीट सेटिंग मिलती है, जिसमें आप रूम हीटर से 1000 वॉट और 2000 वॉट में हीटिंग ले सकते हैं। और इस रूम हीटर में दोस्तों आपको जो फैन मिलता है उसे आप समर और विंटर दोनों में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि आप विदाउट हीटिंग इसे समर में भी यूज कर पाएंगे और अगर आपको हीटिंग की जरूरत है तो आप इसे विंटर में भी विद हीटिंग यूज कर सकते हैं। आपको वारंटी 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर ओरिएंट की ओर से मिलेगी और इस प्रोडक्ट की दोस्तों फिलहाल करंट प्राइस है 1439 रुपए, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए बेस्ट बाय लिंक जरूर चेक करें। टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूम हीटर इन इंडिया 2023 में नंबर 3 पर है हेवल्स की ओर से आने वाला ये 2000 वॉट का रूम हीटर, जो कि आपको कूल टच बॉडी के साथ मिलता है। और इस रूम हीटर में आपको 2 हीट सेटिंग मिल जाएगी, जिसमें आप 1000 और 2000 वॉट दोनों में ही हीटिंग ले सकते हैं। वहीं आपको टेम्परेचर सेटिंग का नॉब भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साथ ही दोस्तों सेफ्टी फीचर्स यानी कि ओवर हीट प्रोटेक्शन का फीचर भी मिल जाएगा। हेवल्स की ओर से इस प्रोडक्ट पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और इस रूम हीटर को दोस्तों आप फिलहाल परचेस कर सकते हैं 2398 रुपए में, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टॉप 5 बेस्ट रूम हीटर इन इंडिया 2023 में नंबर 2 पर है उषा की ओर से आने वाला ये रूम हीटर, जो कि आपको 2000 वॉट हीटर के साथ मिल जाता है। इस रूम हीटर की ट्विन टर्बो डिज़ाइन आपको मिलती है, जो कि लुक्स में काफ़ी बढ़िया है। साथ ही आपको सेफ्टी फीचर में ओवरहीट प्रोटेक्शन का फीचर मिलेगा और ये रूम हीटर आपको ISI अप्रूव्ड मिल जाता है। इस रूम हीटर में दोस्तों आपको 2 फैन स्पीड मिलेगी, जिसमें आपको हाई एंड लो स्पीड यहाँ पर मिल जाती है। वहीं आपको 3 हीटिंग यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप रूम हीटर से 665, 1330 और 2000 वॉट में हीटिंग ले सकते हैं। इस रूम हीटर पर आपको उषा की ओर से 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और इसकी फिलहाल करंट प्राइस है 2149 रुपए, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टॉप 5 बेस्ट रूम हीटर इन इंडिया 2023 में नंबर 1 पर है बजाज की ओर से आने वाला ये ब्लो हॉट 2000 वॉट फैन रूम हीटर, जो कि आपको कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ मिलेगा और इस रूम हीटर में आपको सेफ्टी फीचर में कट ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन का फीचर मिल जाता है। और ये रूम हीटर आपको ISI अप्रूव्ड भी मिलता है, साथ ही आपको 2 हीट सेटिंग मिल जाती है, जिसमें आप रूम हीटर से 1000 और 2000 वॉट में हीटिंग ले सकते हैं। इस रूम हीटर पर आपको बजाज की ओर से 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और इसकी फिलहाल करंट प्राइस है दोस्तों 1899 रुपए, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स टॉप 5 बेस्ट कन्विक्शन रूम हीटर इन इंडिया 2023 के बारे में, जहां हमने आपको इन पांचों ही ब्रांड के रूम हीटर्स के एक एक फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। साथ ही दोस्तों रूम हीटर परचेस करने से पहले की जरूरी इंपॉर्टेंट बातें और प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए हैं, जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन लेने में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों को रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।